आपको कितना मजा आएगा जब आप किसी तालाब के पास जाएं और अचानक से आपके सामने हजारों मछलियां आ जाएं। इसके बाद जब आपको ये पता चले कि ये मछलियां अलग टाइप की है, जिनका मुंह बिल्ली की तरह है, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरे ख्याल से आप कहेंगे कि मज़ा आ जाएगा, आप यहाँ पर ज़रूर जाना चाहेंगे। तो आज हम आपको लगभग 700 वर्ष पुरानी एक ऐसी जगह पर ले जाने वाले हैं जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ मनोरंजन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आइए चलते हैं इस जगह और जानते हैं इन बिल्ली के मुंह जैसी मछलियों के बारे में, साथ ही जानते हैं इस जगह का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। अरावली के पहाड़ों के बीच यह जगह एक बड़ा तालाब है जिसका नाम हमीरपाल तालाब या हमीरपाल झील है। इसे फिश पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस तालाब का पानी 12 महीने भरा रहता है। तालाब के आसपास जंगली एरिया है जिसमें पैंथर के साथ दूसरे कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। अक्सर ये जानवर रात के समय इस तालाब में पानी पीने आते रहते हैं। गांव में रहने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने तालाब में कई बार रात के समय पैंथर को पानी पीते देखा है। इस तालाब के एक किनारे पर काफी लंबी पाल बनी हुई है। पाल से तालाब तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। पाल के निर्माण को देखकर लगता है कि यह कई सदियों पहले बनाई गई है। सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही आप तालाब के पानी के पास जाते हैं, वैसे ही हजारों की संख्या में मछलियां आपके सामने आने लगती है। तालाब में दूर दूर तक मछलियां ही मछलियां दिखाई देती है। ऐसा बताया जाता है कि इस तालाब में लाखों की संख्या में मछलियां मौजूद है। ये मछलियां सामान्य मछलियां नहीं है, यानी ये मछलियां दूसरे तालाबों में पाई जाने वाली मछलियों से अलग है। जी हाँ, ये मछलियाँ भारत की नहीं हैं, ये विदेशी हैं। इन्हें अफ्रीकन कैटफिश के नाम से जाना जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका मुंह बिल्ली के मुंह की तरह दिखता है। जैसे ही आप तालाब में इनके लिए दाना डालते हैं, वैसे ही आपके सामने एक के ऊपर एक हजारों मछलियाँ आने लग जाती है। अगर आप खूब सारे दाने एक साथ डालते हैं तो उस जगह का नज़ारा देखने लायक होता है। बच्चे इन मछलियों को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। इतनी सारी मछलियों को एक साथ देखकर बच्चे खुशी से चीख पड़ते हैं। इतनी मछलियां देखकर आपके दिमाग में भी यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पर इतनी विदेशी मछलियां आई कैसे? इस तालाब में इतनी सारी मछलियां होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध होना है। गांव के लोग इन मछलियों की देखभाल करते हैं और शिकार नहीं होने देते हैं। तालाब की पाल पर लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर एक गढ़ की आकृति में बना हुआ है जिसके दोनों तरफ बुर्ज बनी हुई है। मंदिर परिसर में दो छोटे मंदिर और बने हुए हैं। मुख्य मंदिर के बाहर काले पत्थर से निर्मित गरुड़ जी विराजमान है। मंदिर के अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण बैठे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के साथ 1303 ईस्वी में भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता और चित्तौड़ के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में राजपूत योद्धाओं ने साका कर अपनी जान दे दी। वहीं रानी पद्मिनी की अगुवाई में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर कर अपने प्राण त्यागे। इस युद्ध के बाद चित्तौड़ से गुहिल वंश की रावल शाखा का अंत हो गया। बाद में मेवाड़ के सिसोदा गांव में रहने वाले गुहिल वंश की राणा शाखा के राणा हम्मीर सिंह ने खिलजियों से युद्ध कर चित्तौड़ दुर्ग पर वापस कब्जा किया। इन्हीं राणा हम्मीर सिंह ने 13वीं शताब्दी में इस हमीरपाल तालाब और इसके घाटों का निर्माण करवाया था। शुरू में इसे राणा हम्मीर के नाम पर हमीरपाल कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम हमीरपाल हो गया। ऐसा बताया जाता है कि अकबर के समय जब कुंभलगढ़ के दुर्ग पर मुगलों का कब्जा हो गया था, तब अकबर की सेना ने इस तालाब पर एक मुगल चौकी बना ली थी।
बाद में जब महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के दुर्ग पर वापस अधिकार करने के लिए यह युद्ध लड़ा, तब उन्होंने हमेरपाल तालाब की इस मुगल चौकी पर भी कब्जा किया था। वैसे इस तालाब पर जाने का ऐसा कोई विशेष समय नहीं है, आप यहाँ सुबह से शाम तक कभी भी जा सकते हैं। जंगली एरिया होने की वजह से सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमेरपाल तालाब में प्रवेश के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, यहाँ पर प्रवेश पूरी तरह से निशुल्क है। हमेरपाल तालाब के पास में तलादरी या तलादरी का तालाब, कुंभलगढ़ का दुर्ग और उसके आगे परशुराम महादेव का मंदिर है, जहाँ पर घूमने के लिए जाया जा सकता है। अगर कुंभलगढ़ फोर्ट देखने जा रहे हैं तो आपको हमेरपाल तालाब फिश पॉइंट पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके रास्ते में ही आता है। आपको कुंभलगढ़ जाने के लिए केलवाड़ा होकर जाना पड़ता है। हमेरपाल तालाब की केलवाड़ा से दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए केलवाड़ा से पहले राइट साइड में जाना होगा। उदयपुर से हमेरपाल तालाब की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। हमेरपाल तालाब से कुंभलगढ़ की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। अगली बार आप जब भी कुंभलगढ़ जाएं, तो हमेरपाल तालाब फिश पॉइंट पर जरूर जाकर आएं। आपको यह जगह जरूर पसंद आएगी।